हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा आपको पता है 8 PM पे क्लास होती है जीके की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये 8th पार्ट है उसका, 7th पार्ट जो है अन्य मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है उनमें भी इंक्लूड कर रखे हैं, बायलिंगुअल है सारे क्वेश्चन। खास बात ये है तो जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आ रही थी तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पांडनी काल में हिमाचल प्रदेश दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें जो एक था त्रिघर्त गण संघ, तो दूसरे का नाम आपको बताना है कि इसका सेकंड जो नाम था वो क्या था दूसरे पार्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुनिंद, ठीक है। एक था जो हमारा त्रिघर्त कहते थे, त्रिघर्त गण संघ, और दूसरे को कुनिंद या कुनिद जो है गण संघ कहा जाता था पांडनी काल में, ठीक है। पांडनी काल था हमारा 700 से 300 तक, ठीक है। अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि से आपके क्वेश्चन जो है काफी बनेंगे एग्जाम में। तो आपको याद रखना है संस्कृत का पहला व्याकरण जो है पाणिनि ने लिखा था। इनकी जो बुक थी उसका नाम था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है 8 अध्याय यानी 8 चैप्टर। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अष्टाध्यायी आपको याद रखना है, लिखी किसने है पाणिनि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कौन से मुगल शासक के समय जो है हिमाचल प्रदेश में आया था। क्या था औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करो, हाँ, तो क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम और इसमें जो है काफी कंपटीशन होगा इस बार। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो लगभग 3 लाख से ज्यादा जो है फॉर्म इसके फिलअप होने की संभावना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो इसने जो है जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था, जो जजिया कर अकबर ने जो है बंद कर दिया था वो औरंगजेब ने दोबारा शुरू कर दिया था। और इसने कश्मीरी जो पंडित थे उनको जबरन जो है अपना धर्म, मुस्लिम धर्म जो है मनवाया था, और जिन्होंने नहीं माना था उन्हें फांसी दे दी थी, मार दिया था। और जिन कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया उन्होंने जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से जो है मदद मांगी थी, और तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने औरंगजेब इसका जो है विरोध किया और इन्होंने जो है उस गुरु को भी जो है फांसी दे दी थी। तो आपको याद रखना है औरंगजेब ने जो है सिखों के 9वें गुरु को फांसी दी थी, ठीक है। 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है बीबी का मकबरा, ठीक है, 1678 में जो है वो औरंगजेब ने बनाया था। और दिल्ली की जो लाल किला है दिल्ली का, ठीक है, उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, उससे भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि मोती मस्जिद जो कि लाल किले के अंदर है वो किसने बनाई। तो आपको याद रखना है औरंगजेब ने उसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए हम प्रोवाइड कराएं, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष मंडी और सुकेत रियासत प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, ठीक है। मंडी रियासत और सुकेत रियासत किस साल जो है डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, तो ये आ गई थी 1846 में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1846 देखते ही आपके मन में एक और बात आनी चाहिए, 9 मार्च 1846, ठीक है। 9 मार्च 1846 में क्या हुआ था, लाहौर की संधि, ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। अच्छा, मंडी रियासत और सुकेत रियासत जो है 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, तो इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना करी थी वीर सेन ने, और सुकेत रियासत की स्थापना भी किसने करी थी, वीर सेन ने। मंडी रियासत बनाई थी आपकी 1200 ईस्वी में, और सुकेत बनाई थी 765 ईस्वी में, दोनों बनाई थी वीर सेन ने, ठीक है। और टोटल रियासतें कितनी है हमारी हिमाचल की, 30, ये भी आपको याद रखना, कितनी रियासतें थी टोटल, 30, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 1857 को हिमाचल प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को जो है अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जो है फांसी दी थी किन्हें, ये थे आपके प्रताप सिंह और पीर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था एक, ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, कसौली से, हिमाचल में आपको याद रखना है कसौली से जो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम जो है कहाँ पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो शिमला और कुल्लू आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूरेनियम से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। एक तो इसका सिंबल पूछेगा आपसे, ठीक है, प्रेमियम का जो है सिंबल क्या है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है यू, यू जो है इसका सिंबल है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 90
टू आपको याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, यूरेनियम का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो परमाणु जो भी हमारे रिएक्टर भट्टियां हैं उनके अंदर यूरेनियम का प्रयोग होता है, या एटम बॉम्ब कह लीजिए आप, एटम बॉम्ब को बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम 235 92, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है एटम बॉम्ब बनाने में। ठीक है, अब एटम बॉम्ब से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एटम बॉम्ब जो है कितनी बार आज तक चला है? 3 बार, ठीक है, 3 बार इसका प्रयोग किया है यूनाइटेड स्टेट ने, यूनाइटेड स्टेट ने जो है 3 बार इसका प्रयोग किया है। पहला कब किया था? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जापान के विरुद्ध किया था, जबकि वर्ल्ड वार टू चल रहा था उस टाइम पे। और इससे एटम बॉम्ब से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से जो है सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन से प्रिंसिपल पे? तो 2 प्रिंसिपल हमारे फिजन और फ्यूजन, ठीक है, फिजन और फ्यूजन। फिजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन, ठीक है, इसको कहते हैं विखंडन, और फिजन को, फ्यूजन को कहते हैं संलयन। इनमें आप एक बात याद रखिएगा, विखंडन क्या है? विखंडन ऐसी क्रिया है, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो है एटम बॉम्ब कार्य करता है, हम एटम बॉम्ब को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने इतना एरिया चूज कर रखा है किसी के अंदर एटम बॉम्ब फटेगा, इतनी ही इसमें रिएक्शन होगी, तो ये एटम बॉम्ब जो है आपके फिजन जो है रिएक्शन है इसके ऊपर कार्य करता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, यानी विखंडन आपको याद रखना है हिंदी में। जबकि आपके जो सूर्य का प्रकाश है यानी सनलाइट है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हाइड्रोजन बॉम्ब है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉम्ब एक बार चल पड़ा तो उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर यानी संलयन के ऊपर जो है कार्य करते हैं सनलाइट और हाइड्रोजन बॉम्ब, जबकि एटॉमिक बॉम्ब जो है आपका वो कार्य करता है आपका फ्यूजन के ऊपर, विखंडन के ऊपर, ठीक है। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत ने अपना जो परमाणु प्रशिक्षण किया था पहला, वो किया था 13 मई 1974 को, ठीक है, 13 मई 1974 को किया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और उसके बाद जो है 1998 को, 1998 को लगातार प्रशिक्षण किए थे हमने किसके, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, और हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी किस्म जो है नहीं उगाई जाती चाय की, ठीक है, चाय की कौन सी किस्म नहीं उगाई जाती? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं कहा रखा है यहाँ पे, तो कौन सी नहीं उगाते हम? मृदुल, ए जो है ऑप्शन ए हम नहीं उगाते हिमाचल में, बाकी बहार, मल्हार और बागेश्वरी, ये तीनों जो है हिमाचल की चाय की किस्में हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा चाय होती कहाँ पे है? तो कांगड़ा आपको याद रखना है, ठीक है, कांगड़ा की चाय काफ़ी फेमस है। इसे जो है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है मिला था 2005 में, ये भी आपको याद रखना है। हमारी जो चाय है यहाँ पे काली चाय और ग्रीन टी दोनों चाय जो है उपलब्ध है, दोनों चाय उगाई जाती है, 2005 में जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे GI टैग कहते हैं हम, वो मिला था, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है असम में, ये आपको याद रखना है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है वहाँ भी उगाई जाती है। और अगर हम बात की बात देश की बात करें तो चीन जो है नंबर 1 पे है, चीन में जो है सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। और सबसे ज़्यादा चाय खरीदता कौन है? तो श्रीलंका आपको याद रखना है, श्रीलंका जो है सबसे ज़्यादा चाय खरीदता है, और यहाँ तक कि श्रीलंका की जो नेशनल इनकम है वो भी चाय की खरीदारी के ऊपर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग कितनी जनसंख्या निर्धारित है? ठीक है, विधानसभा का जो एरिया होता है हमारी, ठीक है, आपको पता है विधानसभा कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं करंट टाइम में हमारी, ठीक है, इनका जो एरिया है, सतारा क्षेत्र है आपको पता है, तो इनका जो एरिया है उसमें कितनी जनसंख्या होती है? लगभग, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अप्रोक्सीमेट यानी लगभग कितनी जनसंख्या होती है? 96,000 आपको याद रखना है, 96,000, ठीक है, 96,000 जो है एक विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या होती है लगभग। टोटल सीटें की हम बात करें 68 है हमारी, ठीक है, जिसमें से जो है SC की दे रखी है 17 और ST की 3, ठीक है, ये जो है 2008 का परिसीमन आयोग बना था, ठीक है, उसमें जो है ये एरिया डिवाइड किया गया था, ये पॉपुलेशन जो है डिवाइड की गई थी, हमारा जो भी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड रहता है, ठीक है, कितना एरिया जो है किस एरिया में आएगा, ठीक है, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस एरिया में आएगा, इसकी पॉपुलेशन कितनी रहेगी, ये सब कौन आइडेंटिफाई करता है? ये सब आइडेंटिफाई करता है आपका परिसीमन आयोग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब 68 सीटें हैं तो इसमें जो है 44 है BJP की और 21 जो है कांग्रेस की है और 1 सीट है कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है, बाकी जो बच गई वो निर्दलीय कैंडिडेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस टाइम हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे सरदार बलदेव सिंह। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? तो ये थी हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री थी पहली। और इसके बाद अगर हम बात करें अब्दुल कलाम आजाद की, तो ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। और बी एन गोडगिल ये क्या थे? ये थे पहले ऊर्जा मंत्री। ये भी आपको याद रखना है, भारत के पहले ऊर्जा मंत्री, यानी स्वतंत्र भारत के पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे? बी एन गोडगिल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ये सबको आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किस राज्य में दमन गंगा नदी बहती है? ठीक है, कौन से राज्य में जो है दमन गंगा नदी बहती है? तो ये बहती है आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात से नदी बहती हुई कहाँ जाती है? अरब सागर के अंदर नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुटबॉल एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कौन सा देश जो है एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये चीन करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2019 का कहाँ पे हुआ? तो यूएई आपको याद रखना है, यूएई में कौन सा हुआ? 2019 का हुआ। किसने जीता? तो ये आपको याद रखना है, कतर। कतर ने जीता किसको हरा के? जापान को हरा के। कतर ने किसको हराया? जापान को हराया 2019 में। और 2023 का जो है वो होस्ट कर रहा है चाइना, ये आपको याद रखना है, चाइना की राजधानी बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का दूसरा देश जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है सेकंड नंबर पे जिसने जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की? तो यह है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड तो है आयरलैंड, फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट पे है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने जो है सबसे पहले जलवायु आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट यानी LSA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट आपको याद रखना है। इससे जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, तो कौन बन गई है? ये है आरोही पंडित, ऑप्शन नंबर सी। आरोही पंडित जो है मुंबई के रहने वाली है। ठीक है, मुंबई के रहने वाली है, 23 इनकी एज है अभी। और ये दुनिया की और भारत की पहली जो है महिला है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को एक छोटे से जिसे हम कहते हैं लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट, इससे जो है पार किया है। तो ये आपको याद रखना है, आरोपी पंडित रंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 1967 से 68 के बीच में, ऑप्शन नंबर कौन सा बी इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनक कौन है, किसने शुरू किया था? तो MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति लाई थी इंडिया के अंदर। कब लाई थी? 1967 से 68 के बीच में। अच्छा, इसके साथ साथ आपको याद रखनी है चार जो फेमस है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, और एक है कृष्ण क्रांति जिसे हम कहते हैं, और एक है येलो क्रांति। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन और एक है कृष्णा। ये ग्रीन जो रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे है? वो मछली पालन से है, ठीक है, मत्स्य से। और व्हाइट जो है आपको पता है किससे है? दूध से। येलो का आपको याद रखना है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। और कृष्णा जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, ये है बायोडीजल प्रोडक्शन से। ठीक है, बायोडीजल उत्पादन से है, कौन सी? कृष्ण क्रांति। अच्छा, अभी हाल ही में जो है बायोफ्यूल नीति यूज करने वाला, ठीक है, लागू करने वाला बायोफ्यूल नीति जो है किस राज्य ने शुरू की है, या बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो यह है राजस्थान, आपको याद रखना है। राजस्थान ने जो है देश की पहली बायोफ्यूल नीति लागू की है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए है, बंगाल में जो है अकाल किस वक्त पड़ा था? ठीक है, आपको पता है बंगाल का अकाल काफी जो है इमरजेंसी है वहां की, काफी फेमस है, वो किस समय शुरू हुई थी? ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।